नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे दंगल की बात होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए यूपी के दो लड़कों के बीच सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस 10 सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है और चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रही है, तो वहीं सपा 3 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ कांग्रेस इकाई ने इसके लिए पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट भेज दी है। मतलब साफ है, कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी 10 सीटों पर फीडबैक ले रही है। ऐसे में सीटों के बंटवारे की कील से सियासी साइकिल पंचर होती नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि सुलह के लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस में जल्द बातचीत हो सकती है, लेकिन बातचीत कितनी सफल होती है ये तो भविष्य ही तय करेगा। चूंकि इस वक्त इसी मुद्दे पर लेकर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, पूरा पैनल होगा। 10 सीटों पर उपचुनाव जो होने वाले हैं उस पर सियासी जो पेंच इस वक्त फंसे हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो एक पूरा पैनल मौजूद होगा उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से सांसद बनने पर अखिलेश यादव ने करहल की सीट जो छोड़ी है उस पर उपचुनाव होगा। सांसद बनने पर अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट छोड़ी है। ये वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। सांसद अनूप वाल्मीकि ने खैर की सीट छोड़ी है और सांसद बनने पर लालजी वर्मा ने कटहरी की सीट छोड़ी है, और सांसद बनने पर जियाउर रहमान बर्क ने कुंदरकी की सीट छोड़ी है जहां पर उपचुनाव होने हैं, और सांसद बनने पर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद सदर की सीट छोड़ी है। कुल मिलाकर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, और मीरापुर सीट है जो कि लगातार डिमांड में है। मीरापुर सीट सांसद बनने पर प्रवीण पटेल ने फूलपुर सीट छोड़ी है, ये भी डिमांड में है। कांग्रेस मीरापुर फूलपुर की डिमांड कर रही है। सांसद बनने पर विनोद कुमार बिंद ने मझवा सीट छोड़ी है, तो इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल के बाद सीसामऊ सीट वो खाली हुई है। ऐसे में कुल मिलाकर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो ये तमाम वो सीटें हैं जो कि जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा किस तरह से बात बनती है। अलीगढ़ के खैर सीट पर उपचुनाव होना है, और गाजियाबाद सदर फूलपुर और सीसामऊ में उपचुनाव होना है, मुजफ्फरनगर के मीरापुर में उपचुनाव होना है। ये 10 सीटें हैं उपचुनाव के लिए जहां पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की डिमांड कर रही है। सपा पार्टी 5 सीटों पर तैयार नहीं है। तो हमारे साथ जो इस वक्त पैनल मौजूद है उनसे आपका परिचय कराते हैं। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, रफात फातिमा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, रविंद्र प्रताप सपा प्रवक्ता हैं, और रवि कुमार लखनऊ से हमारे संवाददाता, और मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र प्रताप जी आपके पास आते हुए, चूंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर जो सियासी गणित है सीट बंटवारे को लेकर, उस पर इस वक्त सपा किस मूड में है, क्योंकि डिमांड कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की हो रही है। आखिर जो लोकसभा सीट में जो आप लोगों की एकता जो प्यार देखने को मिला था सपा और कांग्रेस का, क्या वो उपचुनाव में भी देखने को मिल पाएगा? आज समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस है, उसमें पूरे राष्ट्र के नागरिकों को समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपने प्रश्न पूछा है उसपे एक उल्टा प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, क्या एनडीए एक साथ चुनाव लड़ पाएगी? क्या नहीं, सवाल अभी आप ना पूछ के जवाब पहले दे दीजिए ना सर। आपने तो जवाब दिया नहीं, सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या आरएलडी को टिकट दिया जाएगा? क्या निषाद पार्टी को टिकट दिया जाएगा? क्या अपना दल को टिकट दिया जाएगा?
ये प्रश्न है। नहीं, अब वो तो आते मैं हैं, रत्नेश एक मिश्रा जी चीज से आपने जो सवाल कर बोला, लूंगी। मैंने जो आपसे सवाल किया सर, उसका जवाब दीजिए ना आप सीधे तौर पर। एक आपने बताते हुए कहा कि कानपुर सीसा मऊ की सीट इसलिए खाली हुई कि उनको सजा हो गई थी, तो मैं भी बता देता हूँ, मझवा का राम दुलारे को और भारतीय जनता पार्टी का उसको नाबालिग के साथ बलात्कार में 25 साल की सजा हुई। अब आपके बात का जवाब, इस प्रकार की अफवाहें जब हम इंडिया गठबंधन बने थे बिहार में तब से लगातार चल रही है और अब तक चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुन लीजिए, उसी में जवाब है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बात दो चार सीट की नहीं है, बात है जीत की, बात है जनता के दुख दर्द की। इस चुनाव में भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति ध्वस्त होगी और एनडीए गठबंधन जीतेगा। तो इसमें सारी की सारी बातें आ गई जो आपने प्रश्न पूछा है। ठीक है, अगर रवि हमारे साथ संवाददाता हमारे बने हुए हैं लखनऊ से। रवि, 3 सीटें हैं जिसको लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है और ये कह रही है कि सपा का प्रदर्शन वहां अच्छा नहीं है। फूलपुर की सीट हो गई, मीरापुर सीट हो गई, मझवा की सीट हो गई, ये वो 3 सीटें हैं जो कांग्रेस डिमांड कर रही है। हालांकि सपा इस वक्त किस मूड में है ये जरा आप बताएं, क्योंकि लगातार आप जमीनी स्तर पर जो खबरें हैं उसे देख रहे हैं, आप जरा बताएं, जानकारी दें। अब देखिए, अगर हम बात करने से पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2014 के चुनाव की बात करें, 19 के चुनाव की बात करें, 24 के चुनाव की बात करें। 14 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के पूरा चुनाव हुआ था, उसके बाद 19 के चुनाव में भी वही रिपीट हुआ, तीसरी बार में 2024 के चुनाव की बात करें। हालांकि इस बीच अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी थी, वो बिल्कुल पीछे होती चली गई, लेकिन 24 के चुनाव में बिल्कुल उलट हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा, हालांकि इंडिया गठबंधन के साथ बचे, लेकिन जो सफलता की उम्मीद थी वैसी सफलता की उम्मीद एनडीए सहयोगियों को तो नहीं मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को कांग्रेस को जरूर उसका फायदा हुआ। और निश्चित तौर पर जिस बड़े मार्जिन के साथ रायबरेली और अमेठी की सीट सीट हासिल की, उससे कहीं ना कहीं पूरा उत्साह है वो वापस आया, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में रौनक देखने को मिली है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष जरा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी अब पिछले 10 सालों में जो चुनाव थे उसके बाद थोड़ी सी वापसी होती नजर आई, तो शायद उसकी वजह से भी माना जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी की डिमांड है उनको ये कहना है कि बीजेपी की जो सीटें थी उन सीटों पे अपना दावा है वो पूरा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं उन पर नहीं, बल्कि जो बीजेपी की सीटें थी उन सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं। 5 सीटों की मांग हो रही थी, हालांकि ये है कि अगर 1 सीटें कम होती उस पर संतोष कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी कुछ देर पहले की बात करें तो अभी हमने इसी मामले पर जो वहां के प्रवक्ता है मनीष चतुर्वेदी उनसे बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी चर्चाएं थी लेकिन गठबंधन हुआ, 7 चुनाव लड़े और आगे भी वैसा ही रहेगा। यानी उनका तरफ से साफ तौर पर कहना था कि गठबंधन में जो भी सीटें मिलेंगी उसको लेकर वो 10 सीटों पर लड़ेंगे। ठीक है, जो चलिए रवि, लौटूंगी मैं आपके पास। रत्नेश मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, चूंकि जो इस वक्त 10 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब जो चूक लोकसभा चुनाव के दौरान हुई उस चूक को सुधारने की कोशिश, दिग्गजों को सीटों की जिम्मेदारी देकर उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले भी रविंद्र प्रताप जी ने एक सवाल किया कि क्या आरएलडी को भी सीट बंटवारा जो है, सीट बंटवारे को लेकर, कि उनको भी सीट दिया जाएगा क्या, अपना दल को भी सीट दिया जाएगा क्या, क्या जवाब होगा इस पर आपका? देखिए जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मैं एक तरफ से जय श्री राम। देखिए दीप्ति जी, पहली बात जो आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन को लेकर पूछा, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और सपा के संविधान विरोधी और झूठे रवैये को पहचान लिया है। एक बार उनको फायदा मिल गया, हर बार नहीं मिलेगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस और हरियाणा की बात आती है तो कहती है कौन अखिलेश अखिलेश। और अभी हुड्डा जी ने क्या कहा हरियाणा में समाजवादी पार्टी को लेकर, कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई भी जनाधार नहीं है, उनका यहाँ कोई मतलब नहीं होता। खैर, उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े। अब पता नहीं कौन सी मजबूरी रही होगी अखिलेश जी की कि वो वहां नहीं लड़े, फिर भी यादव का एक बहुत अच्छा बेल्ट है हरियाणा में। अब जो दूसरी बात आपने कही, तो देखिए हमारे गठबंधन में जितने भी हमारे साथी हैं सबकी जो जो सीटें थी, जिन जिन पर वो लड़े थे, हमारी उनके साथ बातचीत है और हम लोग एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, हमारे यहाँ पूरा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। रही बात रविंद्र जी की, तो देखिए रविंद्र जी की बात पे अब मैं क्या ही बोलूं, वो तो सवाल का जवाब देने के पहले ही सवाल दाग देते हैं।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जवाब देने के बाद सवाल पूछा जाता है, तो शायद अगर वो जवाब दे के सवाल पूछते तो अच्छी बात होती। और रही जहां तक बात एनडीए गठबंधन की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है और हम 10 में से 10 सीटें जीत कराएंगे, और वो सीटें भी जीत कराएंगे जिनको क्या कहते हैं अपने डोली में बैठा कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले लेके घूम रहे हैं, उनकी भी विधानसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। और तब हम पूछेंगे कि एक बार फतह करने के बाद आप दोबारा वहां क्यों नहीं प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि अवधेश प्रसाद का जिस प्रकार से नाम चलिए आया वो तो वक्त पर निर्भर करता है कि किस राजस्थान और तरह से गुजरात के जो बलात्कार है वाले मामले में। रिजल्ट सामने आएगा। रफात फातिमा जी आपके पास आते हुए, चूंकि अभी आपने सुना संविधान को लेकर जो राहुल गांधी का बयान था उसको लेकर रत्नेश मिश्रा जी ने जवाब दिया, इसके साथ ही 3 सीटों की डिमांड कांग्रेस जो कर रही है, मीरापुर और फूलपुर मझवा, ये वो सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये हमें चाहिए ही चाहिए सीट। आखिर उन सीटों पर ऐसा कांग्रेस क्या देख रही है कि अपनी मजबूती का दावा कर रही है कि कांग्रेस मजबूत है वहां पर सपा मजबूत नहीं है? जी, अभी आपने जैसे जिस तरीके से स्टार्टिंग करी उसमें दंगल, लड़के और ताल ठोकने, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ना ताल ठोकने जैसी कोई बात है ना दंगल हो रहा है, ये आपसी मशवरे हो रहे हैं। दूसरी बात, हम इस भाषा से बिल्कुल असहमत हैं और इसलिए हमने इसको रखना यहाँ जरूरी समझा। दूसरी बात, अब हम बात करते थे टिकट और इसकी जो आपसी विमर्श हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपसी बातचीत से ही मसलों के हल होते हैं। अभी आखिरी अभी भविष्य की बातें हम अभी प्रेजेंट टाइम पे इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि क्या होने वाला है, तो जब पूरी तरीके से बातचीत हो जाएगी आपस में शीर्ष नेतृत्व की, तो जाहिर है सामने आ जाएगा कि सीट पे कौन चुनाव लड़ रहा है। तो इसमें हमें लग रहा है प्लांटेड न्यूज की तरह इन चीजों को चलाना बिल्कुल बिल्कुल भी एक तरीके से गलत होता है। तो इसको जो है आप इस टाइम की बड़ी न्यूज सही गलत आपने बता दिया, लेकिन जो तर्क और देना जगह है बड़ी सही हो, तरीके बहुत से बड़ी खबर उसको है। पहले रखिए जरा रफात जी, क्योंकि अभी जैसा कि रत्नेश मिश्रा जी ने कहा कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, सपा ने भी उम्मीद जताई थी कि 2-4 सीटें उन्हें मिले और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ ले, हालांकि सहमति नहीं बनी। अब यहाँ लोकसभा चुनाव तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में साथ में लड़ लिया, उपचुनाव में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? नहीं, ये तय कौन करेगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, सहमति बनेगी ही। इंडिया गठबंधन इस भाजपा की विभाजनकारी नीतियों के जो जनता के खिलाफ चल रहा था उसके उसके उसमें ही बनी है। तो देश पहले हमारे लिए सर्वोच्च देश होता है ना कि सत्ता, तो हम लोग इस पर जो है सहमति आपस में हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है और इसका मतलब